सिंध जी नाले वारी लेखिका प्रोफेसर नसीम थेबो कुछ अरसों बीमार रहने का 19 मार्च से लाड़ानो करे वही। नसीम थेबो जो जन्म मेहड़ में थो, शिकारपुर हैदराबाद में तालीम पिराई, सिंध यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, कराची में संदस जिंदगी के सफर की पुजानी थी। मेहर के जमींदार घराने से ताल्लुक रखंदड़ मैडम नसीम थेबो किया तालीम पिराई, तबकाती निज़ाम खिलाफ किया विढ़ी, औलाद के किया पालियो पढ़ायो, हुन जाती जिंदगी में किया झेड़ियो जाखोड़ियो, उनजो अहवाल कुछ इन रीत है। मैडम नसीम थेबो जो जन्म मेहर लगगोठ घाड़ी में जमींदार अब्दुल बागी खान थेबो के घर में सिंध की एक बी औरत लेखिका बादाम नातवा की कुख में थो। बादाम नातवा सिंध की पहरी मुसलमान नावल निगार औरत है, जै खुश खसलत खातून, शिकस्त जिंदगी, कलबी उन खिलवत में किताब लिखा। खुश खसलत खातून जो महाग अलामा आया काजी जो लिखल है। शिकारपुर से ताल्लुक रखंदड़ बादाम नातवा की जमींदार अब्दुल बाकी खान थेबो से शादी की भी एक दिलचस्प कहानी है। तो एक तरक्की पसंद सोच रोशन ख्याल खातू अब्दुल बाकी के वडेर के कदामत पसंद माहौल के किया मुंह दिनो, उन समाज के तब्दील करने लाए किया तकलीफू सठियों। बादाम नातवा शादी बाद ही पांजे गोठ जी न्याणियों जी तालीम लाए पांजे मुड़स जी रिवायतुन खिलाफ बिगावत मज़ाहमत कई। बादाम नातवा के पंजन पुटन बिन न्याणियों जो औलाद थो। बादाम नातवा जी रोशन ख्याली तरक्की पसंद सोच जो संदस औलाद ते भी गहरो असर थो। अब्दुल बाकी खान की मुखालफत बावजूद बादाम पांजी धीरुन नसीम नज़ीर के जमींदार घराने में कढ़ी स्कूल मोकलियो, ही न्याणियों की तालीम की शुरुआत अब्दुल बाकी थेबो के जमींदार घराने का थी। असि अम्मा हुई शिकारपुर की पढ़ल बॉम्बे यूनिवर्सिटी की मैट्रिक, अलग गरीब फैमिली की हुई, अलग इतफाक़ से वडेर से शादी थी आयस मेहर तालके में, उते गोठ घाड़ी में रहंदी हुई, उते असा पैदा थे सब नसीम भी मां भी सभी पुटन के असाने पी पढ़ायो, हिन के न पे पढ़ाए, धीन के न पे पढ़ाए। मैडम नसीम थेबो घाड़ी में प्राइमरी तालीम पूरी करण बाद पांजे नानाणे शहर शिकारपुर जे मीराबाई गर्ल्स स्कूल में मैट्रिक ताई तालीम हासिल कई। बाद में इंटरमीडिएट हैदराबाद जे जुबेदा कॉलेज में करण खां पोए सिंध यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स जे शोबे में दाखिला वती, जिते पोए हुआ लेक्चरर भी बनी। असा जै खानदान में पैदा थूँ वो कॉन्फ्लिक्ट खानदान हो, माना मदर असा वालदा जी बादाम नातवा वो अदीब ही राइटर हुई, फादर असा जो वरी जमींदार हो कंजर्वेटिव पढ़ल लिखल वो भी हो पर कंजर्वेटिव हों। मुख्य याद है पेरों पेरों नसीम के उन रोको हाँ घर में बिहारियों से तैलीम इन बंद था क्यों वो रोईंदी तैलीम के लिए वो असो वो भा गुलजार थे वो उन्हें चे तो खर्च दियण ला तैयार पर केर इतों कढ़ी वी वे तो उन शिकारपुर नानाणा सा जहाँ हूँ उतें वी वस अस फादर लिखो तो हाँ उन तूम न अच नसीम उत है सो नाइन्थ टेंथ शिकारपुर गवर्नमेंट हाई स्कूल में कई। सिंध के चोटी के सियासतदान रसूल वश पलीजे से मैडम नसीम थेबो की शादी थी, जैमा खेस बिन न्याणियों तान्या थेबो अनीता थेबो जो औलाद थो। रसूल वश पलीजे का अलहदगी बाद मैडम नसीम थेबो न रुगो पांजी न्याणियों के पालियो पढ़ायो पर हिन नौकरी भी कई घर भी हलाए देखारियो। डिवोर्स तो कौन थी अलहदगी सोशल अलहदगी हुई उनके घरवाले से उन जा सबब जैस ती मान मुझे ख्याल है मैं भी गलत हुए उन जा सबब से तबियतुन जा जो टकराव हुए नसीम अड़ी छोकरी न हुई जो मुकम्मल तौर से सरेंडर करे निजू जो भी सोचू हुई उन सोचों ते हुआ कॉन्फिडेंट नमूने से स्टैंड वठण वाली छोकरी हुई। ही उ वक्त हो जै वक्त में उन पार्टी अनाउंस कई
उन में जो सो उन तरफ हू पे इज़्ज़वाजी जिंदगी या जहाँ खानदानी जिंदगी थी थे मानून की उनते उन सो उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज उन ठीक नमूने से निभाण जी न कई उन या उनकी शख्सियत जो वो अड़ो पहलू आ जै पहलू से उनकी पार्टी वाला उनका दोस्त उनका मिट माइट हमेशा क्रिटिकल रहा तो इन पाँच उहो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है खानदानी उ रेस्पॉन्सिबिलिटी न निभाई इनके निभाण खपंदी हुई सिंध की नाजिक नारी हाँ माँ रोह जबल खां डाढ़ी हाँ वागुर हालतुन से डूंगर खां भी डाढ़ी थी मुँह दिनो सजी जिंदगी असोड़ जाखोड़ी दिखो माना तमाम घड़ी मेहनत में स्ट्रगल में अणथक स्ट्रगल अकेले सिर बिन धीन के पालन सवलो कम ना उन्हें जी उन्हें पालो जी उनसा गड मेहनत कंदी रही सर्वाइव कंदी रही वो एक माना एक मिसाली किरदार आ मां अम्मा जो जिंदगी के बारे में फलसफो यो हों इंसान के बहादुर होने खपे इंसान के राइट्स ला विहन खपे इंसान के माना पेंजे न पर बेन के राइट्स ला विहन खपे अड़ी जिंदगी गुजारण खपे जैसे इंसान के फख्र थे हर वो कम जो सही समझे उन केतरी तकलीफ अचे वो करण घुर्जे वो अम्मा जो रूप अस हमेशा याद रहो सुबह जी उठी तैयार थी वी किताब हों सथ में पर्स हूँ रोज यूनिवर्सिटी वी पंध कर वी घर का उत यूनिवर्सिटी तीन वेझो हों वॉकिंग डिस्टेंस से घर हों उत पंध कर रोज वी वरी इंदी ही यूनिवर्सिटी में तो यूनिवर्सिटी की पैर लेक्चरर ही असिस्टेंट प्रोफेसर थी वरी मोटी इंदी ही घर में माँ वागर हुई किचन में कम कर घर के ढण ख्याल कर सभी जो उ रोक मैडम नसीम थेबो सीरत में भी सूरत वागुर सुणी हुई जै भी खेस जवानी में डिठो थे तो वो मैडम नसीम के हुसन की तारीफ करण का सवाए रही न थे सको माँ बिन नसीम से उनकी नौजवानी में न मिलो पर उनकी नौजवानी तस्वीरों ऐसी हर इंसान हैरतजदा थी वो तू एडी खूबसूरत छोकरी हुई शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल गर्ल सफा मासूम निज सिंधी सूंह वाली छोकरी निमाणी ए नेठी तबियत रखंदड़ नसीम थेबो सिंध की सकाफती रवायतुन की भी अमीन हुई शफीक शख्सियत से गड हुआ एक मेहमान नवाज औरत भी हुई जेका घर आयल मेहमान के मानी खाराने का सवाए वंजन न दींदी हुई इतने जे भी अम्मा की तदफीन दौरान मू आया हर कें अम्मा के मासूम औरत के नाले से याद कई हमेशा हर कें यो ही हो तमाम मासूम मोहब्बत कदड़ हर कें जो भी घर में उनके तमाम सुठो वेलकम कंदी उनके तमाम प्यार से विहारींदी उनके अचण से खुश थी वरी अचण ला चवंदी ही मुख्य हालांकि अदी ढी पोलाइट रही है रही पैं जिंदगी में पर मुख्य उनके अंदर ढी एक बुर्दबार बहादुर औरत नजर इंदी ही ऑलवेज शायद जै तरीके से उन जो राइटिंग्स रही थी सके तो उनको इम्पैक्ट हुए पर दिसन में बे इंतहा सादी मेहमान नवाज पुरखुलूस वडी दिल जी पर अंदर में बहादुर बे इंतहा बुर्दबार औरत मैडम नसीम थेबो पांजी अमर खां मिलल लिखण पढ़ने वाले सफर के आखिर ताई जारी रखियो इन वीह खां वधीक कहानियों एक नावलेट लिखियो आहे जेकी छपाई हेठा आहिन कहानियों में गोढ़न की रेखा भिगल कबूतर रुसंदड़ परचंदड़ घाव उभर चंड पसपिरी मुँह झेड़ींदे छ्या कहानियों मशहूर आन मुझी कहानी आ गोढ़न की रेखा उन पे बहराड़ी में जो फ्यूडल खानदान में रखी तालक उनमें जो क्लास जो तबकाती जुल्म ढी हुई उन तबकाती जुल्म के सो एक्सप्रेस करे शिकल में तो जदे हू पांजे पी मा जे खानदान के जो आ सो पी जे खानदान के तबकाती जुल्म उनको माफ न पे कर सकी तो इन सोसाइटी जो कें भी माफ कर सकी नसीम ज़रा तो बाशूर एक छोकरी हुई तो वन यूनिट या नेशनलिज्म या क्लास हवाले से उनमें हुए पर बेसिकली नसीम राइटर हुई माना उनको उड़ा दिलचस्पी लिखण पढ़ डां वधी कई जेको तां उनके राइटिंग्स या कहानियों में तां के महसूस थींदो नसीम मुझे ख्याल नसीम बेसिकली राइटर हुई
मैडम नसीम थेबो जी लिखने में गोठानी जिंदगी, फितरी हुसन, पीढ़ियल मानू ए मजलूम औरत जो जिक्र नमाया नजर अचे तो। अमां पसंदीदा किरदार हों अमांजे छो तो नानो जमींदार हो उन्हें घर में एक छोकरी ही वह शायद बेवा थी वही या उनको माना सेपरेशन थी वही कुछ तो उन्हें नंढे हूँ खाँ असि घर में कम कर शुरू कर मासी इज़ा नालो हो उनते उन कहानी लिखी है उनको उन किरदार के उनको ये कोठ जे बेशुमार किरदार हुआ जैमें जैके तमाम खूबसूरती से उजागर कर पर उ कहानी मानून की याद इन कर नाइन शायद जो को भी मजमू छुपल ना न तो उ सिंधी अदब के क्लासिक्स की हैसियत रखन था। नसीम पे स्टार्ट मुख्य याद है जो कहानी उन कई गोठ में बालेशाही छोकरी होंगी उन्हें जो है सो माना वह ट्रू स्टोरीज जी अगे माना के राइटर्स लिखंदा वो उन स्टार्ट उतना कई पो नसीम जो है सो खास कर उ करेक्टर औरतुन जा या छोकर मजलूम करेक्टर जो सप्रेस्ड आज असाजे मुआशरे में उन्होंने घड़ो अगत माना आनी उन्होंने उजागर कदी तो बेसिक नसीम जो औरत सप्रेशन शादी जो कॉन्फ्लिक्ट हो नसीम के राइटिंग्स में मुख्य महसूस अम्मा के शाबिटे शायरी से तमाम घड़ी उनसे थी इन कर काफ़ी शायरी कहानी जो जी टाइटल्स उबिटाइज खेल कहानियों से खास शॉर्ट स्टोरी राइटर छो तो पा शॉर्ट स्टोरी राइटर हुई तो अम्मा के हिंद सिंध जो शॉर्ट स्टोरीज ये सब घड़ी पसंद हुई जो कहानी जैसे असं अम्मा जो पढ़ियं तो अम्मा जो कहानी रोमानवी होंद तमाम घड़ी उनमें कैरेक्टर होंद औरत मर्द बिल्कुल तक मॉडर्न मर्द औरत नजर इंदा उन मॉडर्न औरत मर्द रोमांस के तमाम खूबसूरत नमूने पेश कयो। मैडम नसीम थेबो जो जन्म जेतोने एक जमींदार के घर में थो हो पर हुआ पांजे भाव मीर थेबे वांगुर तबकाती निज़ाम का नफरत कंदी हुई जैसी शुरुआत इन पांजे पी की रिवायत खिलाफ बिगावत से कई ए तालीम की हासिलात लाए गोठ छड़े शिकारपुर अची वसाई। अम्मा जी शख्सियत जो अग में तुम बुधा तो किताब भी आनी इंदा हुआ वो किताब मैगजीन्स पढ़ी अम्मा गालू अड़ी कदी अम्मा जो बुक्स उन पढ़िया तो अम्मा जो उन असर हुयो पर अम्मा जो जो ट्रेंड हुयो वो बो अम्मा जो ट्रेंड हुयो माना एक सूफी आरफाना उनमें जो है सो रिलीजन जो असर जो है सो बादाम नातवान तमाम घणो हुयो तो उन हवाले से जो है सो उन राइटिंग्स तक मिलंद नसीम जो जो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू का वो नसीम जो उनमें वधीक है माना उनमें तुम सोशल समाजी किरदार जो से मिलंदा औरत खुसूसन औरत जा गोठानी औरतुन जा या शहरी औरतुन जा या वर्किंग क्लास छोकरियों जा वो नसीम जे उनमें वधीक है। मैडम नसीम थेबो जेतोने केतरी ही कहानियों लिखी पर इनके अदबी तकरीबन में वही फोटू कढ़ाण पांजू लिखणियों छपराण जो कदें भी शौक न रो जैकर हुआ पांजी माँ बादाम वांगुर एक गुमनाम लेखका लगंदी हुई। अम्मा नसीम खरल हुए या आगा सलीम हुए या मजलील हुए अम्मा मुझी नजर उन पाए की राइटर ही पर अम्मा के उन जो रुतबो न मिली सके उन दरवेश फकीरानी तबियत के करे छो तो अम्मा उथण वेहण या एक दोस्ती होंगी आदि कल्चर में चाहे वह मर्द हुजन औरतू हुजन उन्हें उथण वेहण हों उन जरिए मूँ मशहूर या उन बया तरीका हूँ जैसे जरिए मूँ उनमें होंगे अम्मा उन शे हूँ तमाम घड़ी गोशा नशीनी है अलग थलग रहने वाली नेचर की शौहरत की बिल्कुल भी अम्मा के बिल्कुल इंट्रस्ट न हों तस्वीर कढ़ाण का बिल्कुल मिन्थू करणी पवंदी अम्मा तस्वीर कढ़ाए। मैडम नसीम थेबो जो जै अदबी हल्के सा उथण वेहण हो उन्हें में अमर जलील अली बाबा नूरुल हुदा शाह फहमीदा हुसैन सुल्ताना वकासी इमदाद हुसैनी सहर इमदाद महताब महबूब ए बया कुछ अदीब शामिल आहिन। नसीम थेबो एक लेखका एक माँ एक उस्ताद एक जाखोड़ी औरत की हैसियत में पांजो भरपूर ए जिम्मेदारी वारो किरदार अदा कयो जैसे अस नंढा हुआ जैसे अस तमाम घर डिसिप्लिन की जरूरत हुई तो तमाम घर अस डिसिप्लिन से हलंदी बेपनाह मोहब्बत से हलंदी असा जस ख्वाहिश कहें तो अगर उनके वस में होंगी तो वह ख्वाहिश जरूर पूरी कंदी असें माना सजे फैमिली में मशहूर हो तो नसीम पैं बार काश टारी ना
जैसे अस थोड़ा वड़ा थे जैसे असि उम्र हुआ असि उम्र यहाँ हुई जो असा डिसिप्लिन समझी चुका या अस पान में समझ अची वही तो असि दोस्त बणजी वही अस हर शे शेयर करण उनसा हर हंध वन उनसा हर किस्म की रहनुमाई वन अम्मा जो खास स्टाइल हो तो अम्मा हमेशा असा तरबियत दिनी तो पैंजे पान में यकीन रखो बेन ता नो मां अगर पैं नंढपण याद क्या तो अम्मा हमेशा असा धीन वांगुर न पुटन वांगुर पालू कदें भी उन रखें तो ये धीन तो इन तालीम घट हो हमेशा अस पढ़ाई से पढ़ाई के लिए चई इलम पढ़ाने लाइ चई हमेशा असें किताबन पढ़ने जो शौक अस उन्हें विधो लिटरेचर जो शौक उन्हें विधो पॉलिटिक्स जो शौक उन्हें विधो भिटाई पढ़ी हुई अम्मा भिटाई जो खोड़ बेत याद हूँ उन ही बुधी बेत मुख्य भी शौक थो तो माम पढ़ा माम पढ़ो तमाम नंढी उम्र में अम्मा का इंस्पायर थी अम्मा असा जिंदगी कें गुजारजे कें ऑनेस्टी से जिंदगी गुजारजे कें दुनिया में हलजे कें मानून से मोहब्बत कजे यो सब कुछ सिखारियो वो असा चव चई न सिखारियो बल्कि वो पान कर सिखारियो छो तो अम्मा तमाम घणे करे मोहब्बत भरे दिलवारी ही तमाम शफकत वारी सभी सा नंढे बार सा भी माना को तमाम घणी शफकत से पेश इंदी सभी सा खास गाली तो तहां करे गलाईंदी जिंदगी जो घणो हिस्सो जाम शोरे जी हवाओं के हुगाव में रहंदड़ मैडम नसीम थेबो कराची की एक अस्पताल में दम धणी हवाले कयो सचल गोठ के इलाके में कायम शहीद शाह इनायत कब्रिस्तान में इन फकीर सुफत औरत की आखिरी आरामगाह ठाही वही है देखो सा नारी टॉप से गड घुमंदासी घुमंदे घुमंदे कमंद भी डाडो खाइंदासी पबुण भी डाडी खाइंदासी नारे टॉप से घुमंदासी अंब खाइंदासी उते नारे में उरा जी यादगिरी आई नंडे लाए जो पानी में व्यंजन नारी टॉप से घुमण डाडो वणंदो उनके वणंदो डुकंदी मां निकरी वेंदो न थोड़ो अग में तो मुझे पुठियां डुकंदी ईंदी मुख बारह साल नंढी आखिरी मुलाकात फोन से जो थी महीनों खन उन में चयमस नसू अला तो खुश कह जी हशास बशास हुई है तीन थी वी चुप करो अध मिनट चुप कर ची अदा मां तो नंढी चीज नसू नसी में नसू सदींदमस मुख्य चई तो अदा हाँ यहाँ दुआ न कर हाँ च मां चाहें तो तू खुश रही नसू तू खुश थी वी ओड़ी अशास बशास उन चई तो अदा हाँ यहाँ दुआ न कर उन दुआ लफ्स रसूमाती थी ना एतबार को हो पर रसूमाती तौर से चई तो अदा हाँ ये न चे हाँ ये न चे च खुदा मुख्य पंजो करे बस उन फोन रखे छी वो रोई वेठी मूं फोन रखे मैडम नसीम थेबो जी न्याणी तान्या थेबो बे लेहका शायरा है अड़ी रीत बादाम नातवा के खानदान में औरत लेहकाउन जो तखलीकी सफर टी पीढ़ी में तान्या थेबो ताई पोतो आहे तमाम घो इंटलेक्चुअल ग्रोथ जो जो एटमॉस्फेयर में प्रोवाइड कियो इं खी चाहिए तो अस अखियं खोलियं तो असा हर तरफ किताब ही किताब नजर आया जैसे अस इमेजिन कर चार चौथे पंजे साल जो बार की उम्र होंगी एतरी नंढी उम्र में अस अमां के पढ़ंदे दिठो कहानियों को सुहणी रिसालो सोजरो बरसात हलचल असाजे घर में सब रिसाल उन जो होंगी हुई कॉपी अस मौजूद हुई अस माना रोजाना की बुनियाद से अस पढ़ासी अम्मा अस मना न कर तुम उम्र जो शुभ ना न पढ़ो असा घर में एडा किताब हूँ अम्मा पढ़ी चवंदी तुम पढ़ो लिटरेचर जहाँ किताब रशियन लिटरेचर सिंधी लिटरेचर तमाम नंढी उम्र में अम्मा का इंस्पायर थी असो पढ़ो जै उम्र में बार कहानी जहाँ किताब पढ़ना या कार्टून ऐसा उन उम्र का असा उ किताब पढ़ शुरू किया अस पढ़ाई से तमाम घो ध्यान दींदी हुई असा के हमेशा सेल्फ रिलायंस सिखारी चई तो माना जो तेजे जायदादू अगर हुजन के या नानाण जो नाराण जो तुम में ना ही बिलीव करो पैं शख्सियत में बिलीव कर पढ़ाई से ध्यान दियो कुछ बणजणो अगते हली आज़ादी अस मतलब कुछ भी करना चाहूँ कें भी शोबे के चूज करना चाहिए कदें उन पाबंदी न विधी अम्मा की बी जगह सब का वो हों शौक हों गाना बुध तमाम शौकीन होंगी तमाम घड़ी कैसटू वी गाना बुधंदी छो तो म्यूजिक तो हूँ भी अड़ी शे रिलैक्सिंग
कड़ी आहे अजकल तो हूँ म्यूजिक इन ला यूज भी थे थी तो मानू तहां के रिलैक्स करण जला इस्तेमाल थे थी अम्मा जला रिलैक्सेशन जो ही हुंदो बारन सा टाइम गुजारण म्यूजिक बुधण किताब पढ़ण सब का जेके शयो गेरी हुंदीवन ए जेके शयो प्यार सा रिलेटेड हुंदीवन के मानू इजहार न थो कर सके कुछ खूबसूरत शयो एड़ी हुंदीवन कुछ खूबसूरत रिश्ता एड़ा हुंदान जने उनन जी लफ्जन में मानू उनके विजय तो जो लफ्ज हर शे बयान था कर सकन मा यो ही चवंदस त मुंजी जिंदगी में एकड़ो हमेशा लाए एकड़ो खाल पे जियो जको पूरो करे बियो केर न थो सके तमाम घणो उन मा सिखियो मा खास करे म्यूजिक में हर हफ्ते न गड वेंदोस कैसेट तमाम घणो शौकीन ही हर जका कैसेट उनके वणदी ए हर में तमाम घणो किसन वठी हुंदी पो वेही मुके गाना बुधाईंदी ए कैसेट जरिए भी पाणी बुधाईंदी हुई सदा ही उन्होंने पुट वागर लिखो मुझे आदत होंगी तो सुबह उठी मैं भाजी वीस मैडम जब मुझे चवंदी तू भाजी वी अच तो अल पराठो से पचाए रखा तो उन भाजी वीस मुझे पराठो पचाए दींदी मन कदम फील को माँ माँ का परे आया अलामा इकबाल यूनिवर्सिटी पाँचे डिग्री प्रोग्राम के निसाबी किताब में पिण सिंध की इन टिन औरत लेखिकाओं बादाम नातवा नसीम थेबो तान्या थेबो के शामिल कर संदन तखलीकी सलाहियतुन के शर्फ बख्शियो आहे।